वही अगली खबर कोटा जिले से है, जहां शहरी और ग्रामीण इलाकों में होली पर नदी व नहरों पर नहाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन के मूड में है। दरअसल नहरों और नदियों में डूबने के हादसे के डरावने आंकड़े के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसके तहत एडिशनल एसपी दिलीप सैनी का कहना है कि बिना सेफ्टी नदी और नहर के किनारे नहाने वाले को पहले पाबंद किया जाएगा और उसके बाद भी नहीं माने जाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी वो जो बिंदु है जहाँ खास तौर पे लोग आमतौर पे नहाते हैं, जहाँ बाउंड्री नहीं बनी हुई है, नहर की दीवार नहीं बनी हुई है, वहाँ कुछ एक इस तरह के बिंदु हैं जहाँ बहुतायत में लोग आ जाते हैं नहाने के लिए। रिस्की है, जिला प्रशासन की तरफ से भी मना ही है इसमें नहाने की, और कभी भी हादसा हो सकता है, पहले भी हादसे हुए हैं। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि नहर में इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल करके नहीं नहाएं। हम पुलिस इंतजाम भी लगाएंगे सभी जगह जो भी इस तरह के वल्नरेबल बिंदु हैं, पॉइंट जाब्ता लगाएंगे, इसके अलावा मोबिलिटी भी रखेंगे और अनाउंस करके लोगों को समझाएंगे। फिर भी अगर कोई करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।